समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का किला ढह गया है। रामपुर में हुए विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को हार मिली है। भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने आसिम रजा को 33,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। बस देखिए, रामपुर की जनता को और खासकर जो रामपुर के हिंदू मुसलमान ने एक मिलकर जो इस ऐतिहासिक विजय में आज पूरा जो अपना योगदान दिया है, उसके लिए मैं रामपुर की जनता को सलाम करता हूं और आभार करता हूं। इस मुद्दे पर यहां का चुनाव जो लड़ा था वो रामपुर में बेरोजगारी और औद्योगिक विकास, हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और रामपुर को वापस उद्योग नगरी बनाने की कोशिश करें। रामपुर में शहर के अंदर 200 शहर के अंदर 252 बूथों पर रामपुर की पुलिस ने प्लानिंग करके रामपुर के शहरियों को वोट डालने ही नहीं दिया है और बूथों को लूट लिया है। एकदम मात्र 20% पोलिंग हुई है 252 बूथों की, और जो शहर के बाहर बूथ थे सिविल लाइन एरिए के और देहात के एरिए के, वो सब बूथ पे कैप्चर कर लिया गया। वहाँ 50% पोलिंग, 60%, 70%, 75% और 80% तक पोलिंग हुई है। सारे बूथ जिला पंचायत के हों, कृषि विभाग के अधिकारी के, यहाँ के मुर्तजा स्कूल के, ज्वाला नगर के और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा, और शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। 2.25 लाख वोटरों में से मात्र 45,000 वोट पोल हुआ है और उसमें भी बहुत से बूथों पर पुलिस ने खुद ही वोट डाल लिया है। अभी काउंटिंग की स्थिति क्या है? अभी काउंटिंग की स्थिति चल रही है, लेकिन शहर में जहां समाजवादी पार्टी का वोट था जो गढ़ था और जहां टोटल वोट का 70% वोट है, उन वोटों को लूट लिया गया, वहां वोट डालने ही नहीं दिया गया। जो अब आखिरी चरण में है गिनती, जो रुझान है वो ये है कि हो सकता है कि हम जीत नहीं पाए। अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ की खाकी वर्दी को मुबारक हो। जो आज उपचुनाव के नतीजे जो आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 33,000 से ऊपर मतों से निर्वाचित हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई है। सभी जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी थे, मीडियाकर्मी हैं और पुलिस विभाग के लोग हैं, सभी की उपस्थिति में पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से मतगणना को संपन्न कराया गया है। वो उनका जवाब हम दे देंगे, वो निर्वाचन आयोग को भी हम लोग इसका उत्तर वो देंगे और आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने पूरी कार्रवाई मतगणना की हुई है, तो कोई आरोप लगाना वो सब बेबुनियाद चीज़ है।